पढ़ते 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 एक दिन खुल जा सिमसिम, हमको मालूम हो जाएगा दुनिया का रहस्य क्या है। दुनिया का रहस्य है काम करो। दुनिया का रहस्य है, ताली मत बजाओ। दुनिया का रहस्य है काम करो। दुनिया का रहस्य है नया काम करो। दुनिया का रहस्य है 100 बरस जो काम होने वाले हैं आज सीखो करो। हम ये विश्वास नहीं करते, मंत्रों के कारण आम गिरते हैं। मंत्र हमको आम नहीं देते, आम खाने के लिए हमको पेड़ चढ़ना पड़ता है, हाथ से आम तोड़ना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, खाना पड़ता है। ये विश्वास रखिए, हमको प्रामाणिक होना है। बुद्धम शरणम गच्छामि की बात हुई, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको किसी का पैसा नहीं खाना है, कामचोर नहीं होना है, लेकिन अपने हक की रक्षा करनी है। क्या क्या थे वो केंद्र मंत्री थे, उन पर कोई आरोप है नहीं है? आरोप है कुछ उन पर? तो हमको भी बाबा साहेब का फॉलोवर बनना है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले का कुछ कथन है जो मुझे उनसे काफी साम्यता रखते हुए लगता है। तत्वतः शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कार का दूसरा नाम है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में संस्कार की मात्रा लगभग आधी होनी चाहिए। उसके बाद जीवन सक्षम तथा स्वावलंबी होने के लिए औद्योगिक शिक्षा व अन्य कौशल की शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन सवाल अभी भी है, शिक्षा कैसी? क्या आप शिक्षा पाकर प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की संकल्पना रखते हैं? बाबा साहब ने एक बार इसका जवाब खुद दिया था। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से बेहतर होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। हर मुमकिन कोशिश करो जो हमसे हो सके। विचारों को पढ़कर नहीं, उन पर चलने से बदलाव आता है। आगे उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी है, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मुझे बहुत हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि अब मैं आपका परिचय प्रोफेसर तेजस्वी वेनकप्पा कट्टीमणि से कराने जा रही हूँ। प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि साहित्य और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं। साहित्यिक सामाजिक प्रतिबद्धता में रचनात्मक लेखन के कुशल रचनाकार हैं। आप आलोचक और अनुवादक के रूप में भी राष्ट्र का मान बढ़ाते हैं। वर्तमान में आप आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश के पूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। आपको कर्नाटक में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां, जो किसी भी भारतीय के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। आप नवीनतम उपलब्धि नई शिक्षा नीति के सदस्य हैं और आपने अपने उपजाऊ विचारशील सुझावों से इस शिक्षा नीति में बहुत योगदान दिया है। आपने आदिवासी महिलाओं को स्वावलंबन की प्रेरणा देकर ऐसा सहयोग किया कि आज वह अपने पैरों पर खड़ी हैं और स्वरोजगार से सम्मान से सर उठाकर जी रही हैं। हर सफल व्यक्ति की तरह आपने भी जीवन में विकट परिस्थितियों का वीरता से सामना किया है। इन अनुभवों ने आपको समाज के वंचित वर्ग के लोगों के बारे में सोचना और उनकी पीड़ाओं पर काबू पाने में कैसे मदद की जा सकती है सिखाया है। आप एक सफल चरित्रवान व्यक्तित्व हैं जो प्रेरणा देते हैं। जय भीम, जोहार। रमाशंकर कुरील जी, प्रोफेसर सोनझरिया
मिंज मैडम, प्रोफेसर रामशंकर आर्या जी, प्रोफेसर लोबियाल, प्रोफेसर राजकुमार, प्रोफेसर रामशंकर राव, आप सभी सबको प्रणाम। मैं आदिवासी आदमी हूं, आप जानते हैं कि आदिवासियों को क्या बोलते हैं, जंगली बोलते हैं, है कि नहीं? जंगली बोलना भी चाहिए। अमरकंटक में मैंने 6 बरस काम किया कुलपति होने के नाते, उसके बाद मैंने एक किताब लिखी जंगली कुलपति की जंगी कथा। आदिवासी होने के नाते मैं अपने आप को जंगली बोलता हूं, यह धैर्य मुझे किसने दिया? बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया। बाबा साहेब अंबेडकर ने मुझे यह धैर्य दिया कि विश्वास के साथ बोलो मैं दलित हूं, विश्वास के साथ बोलो मैं आदिवासी हूं, विश्वास के साथ बोलो मैं काला हूं, विश्वास के साथ बोलो मैं लड़की हूं, मैं स्त्री हूं। ये बाबा साहेब अंबेडकर की बहुत बड़ी देन है हम सबके लिए। मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग गाय भैंस चराए हैं? जिन्होंने नहीं हाथ उठाया ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब जिन्होंने गाय भैंस चराया है, आप और मैं देश के बहुत बड़े विज्ञानी हैं। क्योंकि गुरुजी हमें सिखाते या नहीं सिखाते ये पता नहीं, गाय भैंस हमको जरूर सिखाते हैं। गाय और भैंस हमको जरूर सिखाते हैं कि कहां चरना है कहां नहीं चरना है। ये हम लोगों की प्रवृत्ति है, इसको आप मान लो। हम दलित हैं, इसको आप मान लो। हम अस्पृश्य हैं, आप विश्वास करो उस पर। हम आदिवासी हैं, हम विश्वास करेंगे। अंबेडकर हमारे हैं, इस पर आप विश्वास करो। संविधान हमारा है, इस पर आप विश्वास करो। गाय भैंस चराते हुए एक काला सा आदमी इस देश में 2 बार कुलपति बन सकता है। क्या मैं नोबेल लॉरेट हूं? नहीं। ज्ञानपीठ अवार्डी हूं? नहीं। फिर क्या हूं? मैं अंबेडकरवादी हूं। अंबेडकर जी पर जो विश्वास करेंगे वो जो चाहे बन सकते हैं। विश्वास रखना अलग है, पूजा करना अलग है। बाबा साहेब पर अंबेडकर जी पर विश्वास रखना है मतलब उनके राइटिंग्स पर विश्वास रखना है, उन्होंने जो लिखा है उस पर विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है? पुस्तक खरीद कर घर में रखने से विश्वास नहीं होता, उसको पढ़ने से विश्वास होता है। केवल पढ़ने से आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे, उसको कार्य रूप में लाना है। कुरिल साहब बता रहे थे ना, बाबा साहेब जी 18 घंटे पढ़ते थे, वो 18 घंटे काम करते हैं।
इसका मतलब हमको जीवन में कुछ हासिल करना है तो तीन चीजों पर हमको विश्वास करना होगा। वो क्या है? फर्स्ट, हार्ड वर्क। सेकंड, हार्ड वर्क। थर्ड, हार्ड वर्क। बाबा साहेब जी का उसी पर विश्वास था। मैं आप बच्चों से विनती करता हूं, बाबा साहेब को आप ठीक से पढ़ोगे, एक बार पढ़ने से बाबा साहेब नहीं खुलते, दो बार पढ़ने से नहीं खुलते, तीसरी बार, चौथी बार, जैसे रामायण पढ़ते हैं, जैसे महाभारत पढ़ते हैं, जैसे भगवद गीता पढ़ते हैं, वैसे ही बाबा साहेब को पढ़ना चाहिए। पढ़ते 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 एक दिन खुल जा सिम सिम, हमको मालूम हो जाएगा दुनिया का रहस्य क्या है। दुनिया का रहस्य है काम करो। दुनिया का रहस्य है, ताली मत बजाओ, दुनिया का रहस्य है काम करो। दुनिया का रहस्य है नया काम करो। दुनिया का रहस्य है 100 वर्ष जो काम होने वाले हैं आज सीखो करो। टेक्नोलॉजी, मोबाइल कितने बदलते हैं, व्हीकल्स कितने बदलते हैं, सब बदलते हैं, लेकिन आप और मैं, हम बदलते नहीं, क्योंकि हमने बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ा नहीं। हमको बदलना है। मैं कहता हूं आप उन लोगों पर विश्वास मत करो जो लोग बोलेंगे हम पर इतने अत्याचार हुआ था, उतने अत्याचार हुआ था, आज भी अत्याचार हो रहे हैं। हम चुप रहोगे, होते रहेंगे। आप किसी भी टेक्स्ट बुक में हमको ये नहीं बताते मोबाइल की क्या शक्ति है, कंप्यूटर की क्या शक्ति है। मिंज मैडम कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर है। इंटरनेट की क्या शक्ति है, वाईफाई की क्या शक्ति है। वाईफाई इंटरनेट रखने वाले करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, व्हीकल्स का, कार का, होटल का, फूड का, ओलो का। तो आप में से, हम में से कौन कर रहे हैं ये, हमको कौन बताएंगे? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। जो समाज, जिस समाज को आज हम भारत में बोलते हैं, ये बहुत पैसा कमाने वाला समाज है, बहुत हर तरफ ये अधिकार रखते हैं, क्योंकि वो हर समय अपने आप को बदल देते हैं। जब मुगल आए वो मुगल हो गए, जब इंग्लिश आए वो इंग्लिश हो गए, कांग्रेस आ गया वो कांग्रेस हो गए, और कोई आ गए वो और हो गए, हम वही के वही हैं। बाबा साहेब अडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं। अडॉप्टेबिलिटी क्या है? पानी है, किस बॉटल में पानी डालेंगे वो पानी उसी आकार का हो जाता है, जिस बर्तन में पानी डालेंगे उसी बर्तन का वो आकार हो जाता है। हमको पानी होना है, क्योंकि हम गरीब हैं। गरीब का बहुत बड़ा सपना क्या होता है? आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रोटी और बहुत अच्छा दाल मिलना है खाने को, मक्खन नहीं, बटर रोटी। आओ, बटर एंड ब्रेड बोलते हैं ना, मैं बोलता हूं कि नहीं, बटर एंड ब्रेड भारत के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं है, बटर रोटी एंड दाल हमारे लिए। बच्चों, आपको जो अच्छा लगता है वो सीखो, लेकिन ऐसे सीखना चाहिए हमको कि कोई जो भी हो
हमारे पास आए और बोले कि चलो हमारे पास आप नौकरी करो। आप बाबा साहब अंबेडकर क्या क्या थे, वो केंद्र मंत्री थे, वो संविधान के एक्सपर्ट थे, वो लायर थे, उन पर कोई आरोप है नहीं है, आरोप है कुछ उन पर, तो हमको भी बाबा साहब का फॉलोवर बनना है, हमको प्रामाणिक होना है। बुद्धम शरणम गच्छामि की बात हुई, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको किसी का पैसा नहीं खाना है, कामचोर नहीं होना है, लेकिन अपने हक की रक्षा करनी है, अपने अधिकार की रक्षा करनी है। समय दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, हम गणित नहीं सीखेंगे, हमारा विकास नहीं होगा, हमारी बरकत नहीं होगी। हमको गणित में आगे बढ़ना है, हमको इंग्लिश में आगे बढ़ना है, कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब बहुत, कुरिल साहब बहुत सारी बातें बता रहे थे, और एक सेक्टर है सर्विस सेक्टर, आगे चलकर बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला। एक मैं जो यूनिवर्सिटीज दुनिया में अच्छे अच्छा काम करते हैं वो उनको विजिट करता हूँ, बात करता हूँ, मोबाइल में उनसे बात करता हूँ। एक सेक्टर पर अभी मेरा यूनिवर्सिटी फोकस कर रहा है, वो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सैनिटेशन, पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर, जो इस शहर का कूड़ा कचरा है उसको कैसा विभाजन करना है। कूड़े कचरे से करोड़ों करोड़ों रुपये हम कमा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आप और हम मिलकर तैयार करेंगे, मतलब इतने नए नई चीजें हैं जिस पर हमको आगे बढ़ना है, एजुकेशन में आगे बढ़ना है, नई नई चीजें सीखनी है। हमारा समाज ऐसा समाज है, हम ये विश्वास नहीं करते मंत्रों के कारण आग गिरते हैं, सॉरी आम गिरते हैं, मंत्र हमको आम नहीं देते। आम खाने के लिए हमको पेड़ चढ़ना पड़ता है, हाथ से आम तोड़ना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, खाना पड़ता है, ये विश्वास रखिए। 1930 में बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा, हेड एंड हैंड शुड वर्क टुगेदर, दिमाग और हाथ काम करना चाहिए। हमारा समाज हाथ से काम करने वाला समाज है, थोड़ा सा हमको दिमाग से सोचना भी सीखना है। सीखने को तैयार हैं? बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़ने को तैयार हैं? झूठ नहीं बोलने को तैयार हैं? जोर से बोलो ना, झूठ नहीं बोलने को तैयार हैं तो आप भारत पर राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत।